क्या आपको आंखों के संबंधी अलग अलग तकलीफें हो रही है, आंखों में दर्द होता है, वहां पर सूजन आ रहा है, वहां पर इचिंग होती है, वहां पर रेडनेस आ रही है, या फिर आपको मायोपिया की असर है, ग्लूकोमा की असर है, या फिर आपको नाइट ब्लाइंडनेस है, कलर ब्लाइंडनेस है, या फिर सिर्फ आप अपने आंखों की रोशनी बढ़ाना चाहते हो, आंखों को हेल्दी रखना चाहते हो, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर भरत, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल आपका हेल्थ गुरु में स्वागत है। इस वीडियो में आपको मैं ऐसे एक्यूप्रेशर पॉइंट सिखाने वाला हूं कि जिनके जरिए आप अपने आंखों को हेल्दी रख सकते हो और आंखों के संबंधी जो अलग अलग तकलीफें होती है इसमें बहुत ही बढ़िया रिजल्ट ले सकते हो। यहां पर आपको मैं सुजोग थेरापी एक्यूप्रेशर पॉइंट्स सिखाने वाला हूं। सुजोग में सु यानी कि हाथ होता है, जोग यानी कि हमारा फुट होता है। यहां पर हमें हाथ और फुट के द्वारा हमारे शरीर के सभी रोगों का इलाज करना होता है। यहाँ पर हमारा यह हाथ है, हाथ में हमारा यह हेड और नेक होता है, यहाँ पर हमारा चेस्ट होता है, यहाँ पर हमारा एब्डोमेन होता है यानी कि टमी, यह दो हमारे लेग्स और यह दो हमारे हाथ होते हैं। यहाँ पर हमें सिर्फ तीन स्टेप की प्रोसीजर फॉलो करनी होती है। स्टेप वन में एग्जैक्ट पॉइंट को लोकेट करना होता है, स्टेप टू में वह पॉइंट को स्टिमुलेट करना होता है, स्टेप थ्री में वहाँ पर मैग्नेट या तो सीड अप्लाई करने होते हैं। तो यह तीन स्टेप को अगर आप सही तरीके से फॉलो करते हो तो आप अपने शरीर के कोई भी रोग का इलाज घर बैठे बहुत ही आसानी से कर सकते हो। यहाँ पर आपको दो रूल्स को खास याद रखना है। रूल नंबर वन, जिस साइड का ऑर्गन होता है वह साइड पर अगर आप हाथ और पैर पर ट्रीटमेंट करते हो तो बहुत ही बढ़िया रिजल्ट ले सकते हो। रूल नंबर टू, जितने हो सके उतने ज्यादा कोरस्पोंडेंस एरिया यानी कि एक्यूप्रेशर पॉइंट्स पर आप दबाव यानी कि ट्रीटमेंट देते हो तो बहुत ही जल्दी से आप रिजल्ट ले सकते हो। तो यह दो रूल्स को ध्यान में रख के आपको ट्रीटमेंट करनी है। तो यहाँ पर पहले हम स्टेप वन को जान लेते हैं यानी कि एग्जैक्ट पॉइंट को कैसे लोकेट करना है वह सीख लेते हैं। यहाँ पर हमारी जो आंखें हैं वह हमारे हेड के एरिया में, फेस पर, मिड लाइन के दोनों साइड पर, ऊपर की साइड पर होती है। तो यहाँ पर यह हमारा हेड और नेक है, इनके लिए हमें हाथ की पोजिशन इस तरीके से रखनी होती है, हमारा जो थंब है वह ऊपर की डायरेक्शन में होना चाहिए। यह हमारा चेहरा है, चेहरे पे मिड लाइन के दोनों साइड पर, ऊपर की साइड पर हमारी आंखें होती है। तो यहाँ पर हमें ट्रीटमेंट करनी है। यह हमारा चेहरा है, चेहरे पे मिड लाइन के दोनों साइड पर हमारी आंखें होती है। मिड लाइन के लेफ्ट साइड पर लेफ्ट आई, राइट साइड पर राइट आई होती है। अगर आपको दोनों आंखों में तकलीफ हो रही है तो आप कोई भी हाथ या तो कोई भी पैर पर ट्रीटमेंट कर सकते हो, पर अगर आपको सिर्फ लेफ्ट आई में तकलीफ है तो लेफ्ट हाथ और पैर पर ट्रीटमेंट करनी है, राइट आई पे तकलीफ है तो राइट फुट और हैंड पर ट्रीटमेंट करते हो तो बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आप ले सकते हो। तो यहाँ पर हमें लेफ्ट आई में तकलीफ है तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड और लेफ्ट फुट पर इलाज करना है। मिड लाइन के लेफ्ट साइड पर यह हमारी लेफ्ट आई होती है तो यहाँ पर हमें ट्रीटमेंट करनी है। तो यह हो गया मेन कॉरस्पोंडेंस पॉइंट। इंसेक्ट कॉरस्पोंडेंस के लिए हाथ की पोजीशन हमें इस तरीके से रखनी है, सभी फिंगर ऊपर की डायरेक्शन में होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमारा पूरा बॉडी हमारे फिंगर में आ जाता है। यह हमारा हेड और नेक है, यह चेस्ट है और यह हमारा टमी होता है। तो यहाँ पर यह हमारा फेस है, फेस पर यह मिड लाइन है, मिड लाइन के दोनों साइड पर, ऊपर की साइड पर हमारी आंखें होती है, मिड लाइन के लेफ्ट साइड पर यह हमारी लेफ्ट आई है। तो यहाँ पर हमें ट्रीटमेंट करनी है। इस तरीके से सभी फिंगर पर हमारे लेफ्ट आई का पॉइंट यहाँ पर मिलता है। तो सभी पॉइंट को अच्छी तरीके से दबा के देखना है, सबसे ज़्यादा टेंडर यानी कि पेनफुल पॉइंट को हमें मार्क कर देना है। यह कोई एक फिंगर पर मिल सकता है या फिर सभी फिंगर पर मिल सकता है। जितने ज़्यादा पॉइंट पर आप ट्रीटमेंट दोगे उतना जल्दी आपको रिजल्ट मिलेगा। तो यह हो गया हमारा स्टेप वन, एग्जैक्ट पॉइंट को हमने लोकेट कर लिया। स्टेप टू में यह पॉइंट को हमें एक्टिवेट करना है, स्टिमुलेशन देना है, वहाँ पर मसाज देना है। आप इस तरीके का एक्यूप्रेशर टूल का इस्तेमाल करिएगा। यहाँ पर लेफ्ट आई का जो पॉइंट है वहाँ पर हमें अच्छी तरीके से इनको दबाव देना है। आपको हल्का हल्का दर्द होना चाहिए, 2 से 3 मिनट के लिए यह पॉइंट को हमें इस तरीके से दबा के रखना है।
तो यह हो गया हमारा स्टेप टू। स्टेप थ्री में यह सभी पॉइंट पर हमें मैग्नेट या तो सीड इस्तेमाल करना है। मैग्नेट में आप स्टार मैग्नेट इस्तेमाल करिएगा। यह मैग्नेट को आप बार बार इस्तेमाल कर सकते हो, इसीलिए बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव हमारी ट्रीटमेंट हो जाती है। सीड में आप कोई भी पूरे दाने ले सकते हो, मेथी के दाने, मूंग के दाने, मटर के दाने या फिर कोई दूसरे सीड भी इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पर हमारा एरिया स्मॉल साइज का, इसलिए आपको स्मॉल सीड का इस्तेमाल करना है। एक बार ट्रीटमेंट के लिए अगर आप सीड इस्तेमाल करते हो तो फिर इनको डिस्कार्ड करना है। दूसरी बार ट्रीटमेंट के लिए हमें नए सीड इस्तेमाल करना होता है। तो यह सीड या तो मैग्नेट को आप दिन में कभी भी लगा सकते हो, पूरा दिन लगा के रख सकते हो, या फिर रात को लगा दीजिए, सुबह इनको निकाल दीजिए। दिन में लगा रहे हो, आपके पास टाइम है, तो हर एक घंटे एक मिनट के लिए आप यह सीड को इस तरीके से दबा भी सकते हो, तो बहुत ही बढ़िया आपको रिजल्ट मिल सकता है। तो इस तरीके से आप यह सिंपल सी सुजोक थेरापी ट्रीटमेंट करके आंखों को हेल्दी रख सकते हो। आंखों के संबंधी जो अलग अलग तकलीफें होती है, इसमें बहुत ही बढ़िया रिजल्ट ले सकते हो। तो इस तरीके से अगर आप सुजोक थेरापी के द्वारा अपने शरीर के सभी रोगों का इलाज सीखना चाहते हो तो आप हमारा ऑनलाइन कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो। वहां पर हमने 150 से ज्यादा रोगों का इलाज सिखाया। वहां पर हमने 100 से ज्यादा वीडियोज रखे हुए कि जिनके जरिए आप घर बैठे सुजोक थेरापी को सीख के खुद का, परिवार के लोगों का, आसपास के लोगों का इलाज शुरू कर सकते हो। आप अपना खुद का एक सेंटर भी ओपन कर सकते हो। आशा रखता हूं कि आपको हमारी इंफॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो यह वीडियो को लाइक जरूर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि सभी को हेल्प मिल पाए। और ऐसी अच्छी इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।